इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कोर्स अपलोड कर दिया है। आप जाके वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कौन सा भी नहीं है, उसमें सारी चीज़ें बताई हुई है, कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर, इंडिकेटर से लेकर, चार्ट पैटर्न से लेकर, सब कुछ। तो आपको कोई भी पेड कोर्सेज में खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, और उन चीज़ों को किस तरह से यूज़ किया जाता है और लाइव ट्रेडिंग में काम में ले सकते हैं, वो सब मैं आपको मेरे चैनल पर बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, और हाँ, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें। आप सभी न्यू ट्रेडर्स ने YouTube पर कई बार सर्च किया होगा कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत सारे बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि NSE की वेबसाइट पर जाइए, BSE की वेबसाइट पर जाइए, ये डाटा डाउनलोड कीजिए, एक्सेल में लगाइए, और उसमें से आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। या फिर आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो पेड कोर्सेज खरीदते हैं, वो आपको डिस्कॉर्ड में या व्हाट्सअप में या फिर किसी और चैनल पर आपको मेंबर बनाते हैं, ताकि और फिर वहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं, आपको दिन के 2 या 3 या 4 स्टॉक्स मिल जाते हैं जिनमें आपको ट्रेडिंग करनी होती है, और वो ट्रेडिंग कैसे होती है वो भी आपको वो बता देते हैं। तो जो नए ट्रेडर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं, जो सीखर हैं, तो वो स्टॉक्स कहाँ से ले, क्योंकि जब वो आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि NSE और BSE पे 5000+ कंपनीज लिस्टेड है। तो किन स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो हमें उन स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए जिसमें एक तो लिक्विडिटी ज़्यादा हो और एक वोलेटाइल भी हो, और वो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको NSE के स्टॉक्स पर, तो वहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर ले जाके 130 स्टॉक्स की लिस्ट दूंगा जिसमें आपको लिक्विडिटी भी है और जिसमें वॉलेटिलिटी भी है। तो आपको उनके अलावा कोई स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं है अपने स्टार्टिंग टाइम में। वो सबसे बेस्ट स्टॉक्स है 130, जिसमें से आपको रिसर्च करके दिन के 3 या 4 स्टॉक्स निकालने होते हैं। तो वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से उसमें से 130 स्टॉक्स में से आपको स्टॉक्स निकालने होते हैं, वो हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। इसमें सिर्फ मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फॉलो कर सकते हैं। ये स्टॉक लिस्ट मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि जो न्यू ट्रेडर्स और स्टूडेंट्स हैं, उनको स्टॉक ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनको मैं बेस्ट 130 कंपनीज दे रहा हूँ जिनमें सभी ट्रेडर्स, अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स भी ट्रेडिंग करते हैं, और रेगुलर ट्रेडिंग उन्हीं में होती है, कोई दूसरे पेनी स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स को नहीं लाते हैं। वो सारे अच्छी कंपनीज है, अच्छे स्टॉक्स है, और मैं आपको उसमें अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर पूरा बताऊंगा कि उनमें कि वो कौन कौन सी कंपनीज है और उनमें कैसे सेलेक्ट करना है। तो अब हम आ गए हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और अब हम देखेंगे कि वो कौन से 130 स्टॉक्स है जो मैं आपको देने वाला हूँ, और उनको कैसे आपको ट्रेड करना है। तो स्टॉक्स में जाने से पहले मैं आपको इंडेक्स दे दूँ कि इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स कौन कौन से हैं, तो जिससे क्या आपको ट्रेड करने में थोड़ी आसानी होगी कि आपको किस सेक्टर में किस दिन ट्रेड करना चाहिए और सेक्टर में ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स। आपको BSE में ट्रेडिंग नहीं करनी है क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों कम होती है, इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स चाहिए अपन को। तो सेंसेक्स टॉप 30 कंपनी से मिलकर बना होता है, इसमें टॉप 30 कंपनीज का कंपैरिजन होता है। उसके बाद है Nifty 50, टॉप 50 कंपनीज का कंपैरिजन होता है। निफ्टी बैंक, 12 बैंक का कंपैरिजन होता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, निफ्टी PSU बैंक, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं ये। निफ्टी ऑटो, मतलब जिनमें ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, मतलब कार गाड़ियाँ वो आती है। निफ्टी FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें 15 इधर जो जितनी भी ये कंपनीज दिख रही है, इनमें सारों में उतनी कंपनियों का कंपैरिजन होता है। और इधर जो भी है ये सारे सेक्टर्स है, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फिन सर्विसेज, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी रियलिटी मतलब रियल इस्टेट, मीडिया मतलब मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, निफ्टी मेटल यानी मेटल सेक्टर इंक्लूडिंग माइनिंग सेक्टर, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी 100, 200, 500, मतलब निफ्टी 100 मतलब टॉप 100 कंपनीज, निफ्टी 200 मतलब टॉप 200 कंपनीज, वैसी मिड कैप स्मॉल कैप है। तो आपके इसमें कौन कौन से इंडेक्स सबसे ज़्यादा काम आएंगे, एक तो आएगा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी फार्मा।
इन सेक्टर्स को आप रखने तो सभी सेक्टर्स को आपको वॉच लिस्ट में है, लेकिन इन सेक्टर्स को आप रखेंगे और उससे क्या होगा कि जैसे आप निफ्टी 50 अगर आज हाई खुला है या फिर बुलिश है, तो आपको निफ्टी 50 की कंपनीज, उन कंपनीज में ट्रेड करना है जो बुलिश है, उनमें आपको सेल का आपको देखना ही नहीं है ट्रेड। जैसे आपने निफ्टी बैंक लिया, तो निफ्टी बैंक अगर बियरिश है तो आपको निफ्टी बैंक में सिर्फ बियरिश बैंक को देखना है, बुलिश की ओर देखना ही नहीं है। निफ्टी ऑटो अगर बुलिश है तो आपको बुलिश की तरफ देखना है, बाई की तरफ, सेल की तरफ देखना ही नहीं है। अगर निफ्टी फार्मा में जो कंपनीज है, अगर निफ्टी फार्मा सेल की तरफ है यानी मतलब बियरिश है, तो आपको निफ्टी फार्मा की जो कंपनीज है उनमें आपको सेल की तरफ ही देखना है, बाय की अपॉर्चुनिटीज देखनी ही नहीं है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी होती है। आप यूँ नहीं कि कुछ भी सर्च किया ने स्टॉक में ट्रेडिंग करने लग गए। सेक्टर वाइज ट्रेडिंग होती है कि कौन सा सेक्टर उस समय क्या पोजिशन दिखा रहा है। जैसे कि सेक्टर अगर बुलिश है और आपने उसमें सेल कर रखा है तो आपको नुकसान होना ही है, वैसे ही सेक्टर अगर बियरिश है और आपने उसमें बाय कर रखा है तो आपको नुकसान होना ही है। तो सेक्टर वाइज करना है, तो ये सेक्टर्स की मैंने पीडीएफ दे रखी है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए भी काम आता है, क्योंकि ये जो ये सारे स्टॉक्स, पहली बात तो एनएससी के हैं, यहाँ लिखा हुआ है मैंने ऑल एनएससी स्टॉक्स, बीएससी में नहीं है। इन सभी में आपको लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों मिलेगी, मतलब आप कभी भी बाय सेल करें, स्कोर ऑफ करें, आप कर सकते हैं। 130 स्टॉक्स है, सब बढ़िया। आपको बीएससी और एनएससी पर टोटल 5000+ कंपनीज है, तो आप उनको देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ 130 कंपनीज ये दे रहा हूँ, उन्हीं को आपको ट्रेड करना है, उन्हीं में से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है कि आपको किस दिन कौन से स्टॉक्स में सिलेक्शन करना है। और ध्यान रखिएगा कि एक दिन में एक या दो स्टॉक से ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। ये कंपनीज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सब में एनालिसिस करें, और कैसे एनालिसिस करना है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजीज भी दूंगा और अच्छे अच्छी स्ट्रेटेजीज दूंगा ताकि आपको काम आए। ये टोटल 130 कंपनीज है, ये यहाँ एंड हो रही है, तो ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इनमें से आपको ट्रेड करना है, देख लीजिए आप ये। और इन्हीं स्टॉक्स में सारे बड़े ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, इनके अलावा कोई स्टॉक्स आपको दिखेगा ही नहीं कि जिसमें कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा होगा। एक आधा अगर आ जाए तो वो बात अलग है, एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स के अलावा आपको कोई स्टॉक्स नहीं दिखाई जिसमें कोई ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहा है। बेस्ट स्टॉक्स है सारे 130, आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी जो किसी भी यूट्यूब के चैनल पे नहीं है। और इतनी इंट्राडे स्ट्रेटजीज दे दूंगा मैं फ्री में, तो आप सोच भी नहीं सकते। फ्री में क्या, ये चैनल ही फ्री है, तो आपको सारी स्ट्रेटजीज वैसे ही फ्री में मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे सिलेक्शन करते हैं। कोई एक्सेल में डाटा नहीं डालना होता है, सिर्फ आपको सबसे पहले तो इंडेक्स डाल अपने वॉच लिस्ट में देखने होते हैं कि कौन सा इंडेक्स बुलिश है या बियरिश है। अगर कोई इंडेक्स बुलिश है तो आपको उसमें जो कंपनीज है उनको बाय से बाय की तरफ जाना है, और अगर कोई सेक्टर बियरिश है तो आपको उस सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें बियरिश की तरफ जाना है। और 130 स्टॉक्स है, इससे ज़्यादा तो आपको कोई कंपनीज चाहिए ही नहीं ट्रेडिंग करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। और ये सबसे जेन्युइन और सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉक्स को निकालने का। मैंने स्टॉक्स तो आपको दे दिए हैं, इंडेक्स भी आपको दे दिए, और बता भी दिया है कि उनमें किस तरह से निकाला जाता है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग की जाती है, कौन से नहीं। अब उनमें किस तरह से उन 130 स्टॉक्स में से अपने 4 या 5 स्टॉक्स डेली निकालने होते हैं कि किनको खरीदना है, किनको बेचना है, तो वो मैं आपको अगले वीडियोज में बताता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कौन सी बेस्ट कंपनीज है जिनमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिनमें हमें लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों मिलती है। अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं।